अम्मा ने बोला था इसका नाम रखेंगे रामू। वाह, नाम तो ऑडियंस से ही पूछेंगे। निशांत आ गया ऊपर हूँ मैं, क्या हाल चाल? बढ़िया, तेरा बता। बढ़िया, तो अभी 5 बज चुके हैं, बट इसने बोला था कि 4 बजे आऊँगा, बट 5 बजे आया। आज हम लेने जा रहे हैं हमारा फाइनल डॉग। निशांत ने भी अपना नया रूम बनाया घर पे, तो वो चलेंगे इसे घर पे कभी देखने के लिए। फिलहाल तो चलते हिसार। तो कल की तरह आज हम फिर से निकल रहे हैं। सो गाइस, अभी हम रुके हैं यहाँ पे टी ब्रेक के लिए। तो टी तो हमारे पास यहाँ है नहीं, बट हम ऐसे ही मजाक में पी लेते हैं, थोड़ी सी पी ली कुछ भी। तो अभी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो बाइक चलाएंगे। वैसे चला तो यही रहे हैं, बट थक मैं भी गया हूँ। और यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे तो, देख लो। हाँ हाँ, गाड़ियों का व्यू। लिफ्ट मांगते हैं किसी से, अगर कोई लिफ्ट देता है तो। लिफ्ट दोगे? लिफ्ट लिफ्ट, अरे भैया लिफ्ट चाहिए। तो और क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा यार। तो अभी 7:30 हो गए हैं और अभी हम हैं पेट शॉप पे, तो देखते हैं किस तरह का है। जर्मन स्पीड थी मैंने मंगवाया पग, क्योंकि फैमिली को पसंद नहीं। आप लोग तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पग लो, बट फैमिली को पसंद नहीं है तो क्या करें। कॉलर लेना है, कॉलर मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल रेड कलर का लेने का। अभी तो छोटा सा पप्पी है वो, 1 महीने का। सो अभी 5-10 मिनट में हमारा डॉग आने वाला है, और बहुत ज़्यादा दिल की तेज़ धड़कन हो रही है मेरी, और काफ़ी एक्साइटिंग फील कर रहा हूँ। सो अभी अंधेरा होने वाला है, 10-15 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा। यार पप्पी सही हो, बस हेल्दी हो भैया, बाकी और तो कोई बात नहीं। हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की बट नहीं होया, बट कोई बात नहीं। वैसे मुझे डर लग रहा है बहुत लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अरे दिल बहुत तेज धक 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 धक। सेम कल वाला टाइम हो गया, कल तो हम मैकडी भी गए थे, आत्म सीधा वहाँ से जाएंगे, बट आज हमने ले लिया है। घर जाके देखते हैं पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है। तो फाइनली हमारा पप्पी आ चुका है। तो चीज़ कहते हैं ना, पैसे लेते हैं उसी हिसाब से अगले को चीज़ देते हैं। भैया डर क्यों रहे हो? अरे इधर आओ, व्लॉग में पहली बार आए हो, यहाँ देखो कैमरे के यहाँ पे सामने। तो फाइनली हमारा डॉग आ चुका है, ये रहा छोटा सा वाइट वाइट भाई, इसका नाम भी रखेंगे कुछ, अभी घर जाके दिखाएंगे। तो अभी 8 बज चुके हैं, तो अराउंड 9 बजे तक हम घर पहुँचेंगे। सो गाइज आई एम रेडी टू गो। तो इस टोकरी में डाल के खिल रहा है यार ये, चल जल्दी चल, ठीक है ओके। जल्दी से इसको इस पिंजरे से बाहर निकालेंगे, पिंजरा। कोई बात नहीं, आराम से चलाइयो, तेज़ मत चलाइयो, क्योंकि इसमें से हवा पास होगी ना, आराम से चलाइयो। कोई नहीं, थोड़ी लेट पहुंच जाएगी, लेकिन ज़्यादा हवा नहीं आनी चाहिए इसमें से ना। तो आज हमने खाया भी नहीं है कुछ, बिकॉज एक्साइटमेंट था इसका। सिर्फ 1 घंटा वेट कर लो, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। नहीं गोद में नहीं यार, हवा लगेगी ज़्यादा वाली, हवा मिट्टी वाली हवा है यार, ऐसे ठीक है, हवा पास हो रही है ऐसे भी। हे गाइस, तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, और हमारा डॉग वो रहा कोने में खेल रहा है। वो डर रहा है अभी, क्योंकि नई जगह पे आया, बस 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा और हमारे से फैमिलियर हो जाएगा। तो अभी मैं पूरी फैमिली का रिएक्शन देखते हैं। ओए, इसका नाम अभी सोचेंगे हम। ओए कोने में कहाँ जा रहे हो? ओए छुटकू यहाँ देखो कैमरे में, ये बात मानने लगे सर, हाथ तो मिला दो, ये देख पग दिखाना। पीयूसी कैसा लगा? सबसे पहले पीयूसी से पूछते हैं। ये मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, मैं इतनी वेट कर रहा था आपके आने की। सोने देना उसको, क्यों इतना सफर करके आया है वो, इतना ट्रैवल करके आया है। सो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, सो जाओ। बड़े मियां से मत पूछा, बड़े मियां जी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी जी कैसा लगा? अच्छा लगा, मना करे थे आप तो लाने के लिए, अब ले आए तो ठीक है। ठीक है अम्मा, हाँ। कैसा है? ठीक है रे, ठीक है। कितना? बहुत अच्छा। पापा जी? बहुत बढ़िया। कैसा लगा यार? बहुत ही क्यूट है यार, बहुत खेल रहा है।
तो अभी शायद ये सोने वाला है। ओ क्या कर रहा है, किधर जा रही हो? देख देख देख। तो अभी इसको दवाई देंगे, आधा कर दो आधा। हाँ ये घूम रहा है। बाय द वे गाइस, कमेंट में बताना, बिकॉज मैं फर्स्ट ओनर हूँ तो मुझे ज़्यादा डॉग्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मुझे क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए जो कि फ्यूचर में मुझे अच्छा रहे, और क्या मुझे नहीं करना है, क्या करना है, वो सब आप बताना। सारे अलग अलग नाम लगा रहे हैं। अरे चुप रहो यार, नाम अभी नाम कभी बड़े मम्मी ने अम्मा ने बोला था इसका नाम रखेंगे रामू। वाह, नाम तो ऑडियंस से ही पूछेंगे और थोड़ा अच्छे से छानबीन करके, क्योंकि नाम नाम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। खोले खोलो मुंह को, खोलो डाल डाल दो, पूरा डाल दिया, इस तरह डाल दो। सबसे नीचे है, देख आधा ही है, आधा गया। तो इसको सुलाएंगे हम टोकरी के अंदर, बड़ी वाली टोकरी है हमारे पास ऐसी ही, यहाँ पे कूलर चल जाएगा। एनीवेज कमेंट में बताना कैसा है, हमारा फैमिली मेंबर एक बढ़ चुका है तो हम इसको बहुत प्यार देंगे। एक बार इसमें रख के देखो क्या एक्शन करता है, यहाँ रख देना, यहाँ पर रख दे, बस कूलर चला दो। मैं मेरे को लगा ये टोकरी में ही सो जाएगा रात को, बट टोकरी में रखा तो ये टोकरी में तो रह ही नहीं रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक मुझे इसको बाहर रखना चाहिए। सो फिलहाल अभी ये सो चुका है और अब काफ़ी मज़े से सो रहा है कूलर की ठंडी ठंडी हवा में, सोते हुए तो और भी प्यारा लग रहा है ये। बाय द वे फिलहाल मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, इसकी तो सोने की पोजीशन भी चेंज हो रही है, अब और भी क्यूट लग रहा है। तो फिलहाल मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था सारी, तो भी मेरी थोड़ी एडिटिंग हुई है और ये उठ चुका है, पता नहीं क्या देख रहा है, सो गया सो गया सो गया, फिर से सो गया। तो चलो इसे सोने देते हैं और हम अपनी एडिटिंग कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, तो व्लॉग एडिट हो चुका है और अभी एक बज चुके हैं और हमारा पपी वहीं सो रहा है कूलर के पास में। मैं व्लॉग को एंड करना था इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो डॉग लेने में मुझे दो लोगों ने हेल्प की, मीनाक्षी ने और निशांत ने। निशांत तो मतलब दो दिन गया, हमने 10-15 जगह पता किया और एक जगह मिला तो हम आज ले आए। और मीनाक्षी मेरी फ्रेंड है तो उसके पास ऑलरेडी है तो उसका एक्सपीरियंस था, तो उसने बताया सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता। अब तो मेरे पास आ ही गया तो अब और सीख जाएंगे। सो फिलहाल तो मैं भी थक के बिल्कुल चूर हो गया हूँ, बट मुझे एडिटिंग करनी थी, मैंने जैसे तैसे कर लिया, मैं अपलोड करूँगा उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा और कल से वही डेली व्लॉग्स शुरू हो जाएंगे फैमिली वाले और थोड़े फनी वगैरह। फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ अपने सजेशन जरूर कमेंट्स में लिखना।